खुलासा हो गया ना तुम्हारा, तुम जयमाला होगा दोबारा से, उसके बाद केक कटेगा, उसके बाद 50 साल का होगा तो शादी होगा। हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए कितना भाई कितना तकलीफ उठाते हैं, कितना कुछ करते हैं, मतलब झुकना नहीं है। हेलो नमस्ते, राम राम, कैसे हो, करता हूँ कि आप सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, बढ़िया रहिएगा। आज हमारे घर के लिए ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल दिन है, क्योंकि आज है मम्मी पापा का एनिवर्सरी, वो भी 30th एनिवर्सरी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही 50वां सालगिरह भी हम लोग मनाएं, 40वां सालगिरह भी मनाएं। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट प्यार रहे मम्मी पापा का ऊपर से भी। आप लोग बहुत सारे लोग हैं, मम्मी को भी चिंते हैं और पापा को भी जानते हो, आप लोग अच्छा विशेष करते रहते हो हमें कॉमेंट सेक्शन में, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग किया जाए। और पिछला वीडियो में जो हम आपको बता रहे थे कि हम अपना YouTube चैनल छोड़ देंगे, तो काफ़ी लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया कि भाई मत छोड़ो, करते रहो, डेली व्लॉग डालो, आपका भी चैनल अच्छा चलेगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई हम रिलेट कर पा रहे हैं, हमारा भी YouTube चैनल है नहीं चल रहा है, तो अगर मेरा चैनल चलने लगे ना, मैं जो जो मेहनत कर रहे हैं ना सबका चैनल को एक बार सपोर्ट करने का सोच रहा हूँ, कि अगर मेरा भी चैनल चले तो जो जो भाई स्ट्रगल कर रहे हैं ना सबको चैनल को मैं भी मैं खुद से प्रमोट करूँ, उनका अगर कंटेंट वगैरह जो भी वीडियोस वगैरह बनाते मेरे को अगर अच्छा लगता है तो मैं उनको प्रमोट करने का सोच रहा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या करना चाहिए। अभी तो हम ये सोच के रखें कि ये जो हमारा रूम है इसका पूरा बेड और ये सब पीछे का बैकग्राउंड को छोड़ दो, ये पूरा बेड वेड हटाने का और ये टेबल को वहाँ पे ले जा रखे, बैलून वलून सब सजाने का, और सजाने के बाद यहीं पे एनिवर्सरी सोच रहे हैं मनाने के लिए। फिलहाल अभी चलते हैं, पापा तो वैसे फैक्ट्री में है, मम्मी से एक बार मिलते हैं, मम्मी को विश करते हैं। और स्नो है यहाँ पे, स्नो स्नो क्या खबर, क्यों खबर, इसका भी लगता है तभी ठीक नहीं है, गैस हो गया है इसको, स्नो काट रहा है, तुम भैया को काट रहा है, मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, मम्मी पापा को विश किया एनिवर्सरी है मम्मी पापा का, बोल दे हैप्पी एनिवर्सरी, बोल दे हैप्पी एनिवर्सरी, ये तो चटुआ है एक नंबर का, खाली चाटने में लगता है। माँ हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। पापा तो नहीं है यहाँ पे, मैं माँ है, पापा एक्चुअली फैक्ट्री में है। हैप्पी एनिवर्सरी, कैसा लग रहा है 30 साल मना रहे हो साथ में, काफी अच्छा लग रहा है। काफी ज्यादा हम लोगों को काम है, काफी ज्यादा सजाने वजाने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, और काफी लोग भी आने वाले हैं, लगभग छोटा सा गैदरिंग किए हैं, लगभग 50-60 लोगों का खाना वाना बनाने के का खिलाने का, हमसे नहीं बनेगा 50-60 लोगों का, हमारा बस का बात नहीं है, 10 आदमी का हम बना सकता है, नहीं तो 50-60 लोगों में बनाने जाएगा ना तो भैया खराब हो जाएगा पूरा। बहुत पहले हमने सुना था मम्मी हमारा माँ हमारा बोलती है कि 3 तला केक लेके आइए, 3 तला केक काटे के बाद तमाश काले के 3 तला केक होगा तो फिर कटाएगा। आप 3 तला केक ऑर्डर कर दिए हैं, क्यों तो रात में आएगा ना 3 तला केक एकदम, देखिएगा आपको अच्छा लगेगा, बटर स्कॉच फ्लेवर में, बस केक का डिजाइन किसी को नहीं दिखाया तो आप लोगों को भी वीडियो में मालूम चल जाएगा। हम YouTube चैनल छोड़ दे, क्यों छोड़ देगा, हम लास्ट वाला वीडियो बनाए थे ना तो बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि और वीडियो बनाते रहो मत छोड़ो। हाँ तो बनाते रहो, एक दिन कितना दिन करेगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए भाई को, भाई को बेटा को मेरा मेरा बेटा को इतना साल से कर ही रहे हैं, कितना करे बताओ, आगे जल्दी से जल्दी बढ़े, तरक्की करे, आप लोग बहुत लोग सपोर्ट किए थे वो वीडियो में, पिछले वाला वीडियो में बहुत लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी ना आगे बढ़ेगा। बाकी यहाँ पे पापा भी आ गए, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा बैलून वगैरह लेके आए, थोड़ा सा लगाएं घर पे, थोड़ा सा डेकोरेट करें ताकि थोड़ा सा फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह जो है ना अपना और भी ज्यादा अच्छा हो। बैलून दीजिएगा दीदी, गोल्डन ब्लैक दे दीजिएगा। हाँ हाँ, तो गाइस यहीं पे है, अभी थोड़ा बहुत सामान वामान लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं, है कि नहीं। 820 800 नहीं, कुछ तो डिस्काउंट कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो सारा सजाने का घर पे जो सजाने के लिए होता है वो सारा कुछ तो हमने ले लिया है, अब बच गया मेरा ख्याल से 2 रेड रोज का माला, जो जैसे एंगेजमेंट वगैरह होता है तो माला पहनाते हैं ना, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना वो किया जाए। भाई 30 साल इतना मामूली थोड़ी है, पता नहीं हम लोग का रिलेशन आजकल का डेट में पता नहीं कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। अब चलते हैं हम सीधा घर पर और इसको सजाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमें सजाने में। वैसे भाभी लोग तो सबको आया हुआ है तो सबको काम करवाऊंगा, सबसे काम करवाऊंगा। हम सबको पता है कि हमारे मम्मी पापा जो है ना, हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए कितना भाई कितना तकलीफ उठाते हैं, कितना कुछ करते हैं, मतलब हमारा लाइफ बनाने के लिए, हमारा करियर को सेट करने के लिए, अपना जितना भी विश लिस्ट होता है, जितना भी अपना ख्वाब होता है, वो बच्चों लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, इजीली कर देते हैं भाई, इजीली। तो
मतलब ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो हमको देना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी चलते हैं घर भाई, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो चुका है। ऑल राइट गाइस, तो अपना रूम तो पूरा खाली हो चुका है और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी इको हो रहा है एकदम खाली होने से। अभी बैलून वगैरह सब कुछ फुलाता हूँ, इन्जॉय करो सारा कुछ टाइम लैप्स में। इतना ज्यादा बैलून है ना कि फुलाते फुलाते यहाँ हमारा जो हालत खराब हो गया, तो हमने दो कार्यकर्ता को बुलाया है, तीन कार्यकर्ता आया हुआ है जो काफी स्पेशल है, काफी ज्यादा कॉस्टली है इनका, मतलब यहाँ पे अगर काम करवाना हो तो काफी ज्यादा महंगा पड़ता है इनको हायर करना। तो मिल लिए इनसे हमारी भाभी जी से। कैसी हो, मुआ में आवाज वा नहीं खेका रे? बढ़िया बढ़िया। दिल्ली का शहर कैसा है? बहुत अच्छा है। ये हमारी भाभी दिल्ली से आई है और ये हमारी दीदी बिहार की। क्या खबर रे? है ठीक बा? बिहार में गर्मी कैसन बा? जा ऐसा ही हम भोजपुरी बतियाता नहीं तो हिंदी बतिया बे। अच्छा तो यही है, अभी बस थोड़की सा बचा हुआ, इतना तो हो गया भैया। अभी मम्मी भी हमारा फुला रही है, देखो जिसका एनिवर्सरी है उसी से काम कर रहा है। तो ये देख लो ऐसा कुछ बना के बन के निकला हुआ है। वैसे मेहनत इसमें भी काफी ज्यादा लगा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक। अभी आए हैं जय माला के लिए, माला लेने के लिए दोबारा से, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देख लो पूरा रोज फ्लावर ही फ्लावर, हर जगह गुलाब ही गुलाब। तो यहाँ पे रोज बन रहा है अभी, अपना जो है ना इस टाइप का है, ये जो आपको दिख रहा है इसी में का दो लिया हूँ। अभी टाइम भी 8 बज चुका है भाई, अभी जाके नहाना भी है, केक भी लेके जाना है, काफी ज्यादा लेट हो चुका है भैया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दीजिए, ठीक है एकदम तारातारी। तो फटाफट बनाते हैं उसका लेके चलते हैं। अभी तो लगभग इनका 30 साल हुआ है, ठीक है ना, 30 साल का एक्सपीरियंस और 30 साल का दोबारा से छोटा मोटा सगाई है। बेटी दामाद का दोबारा से शादी छोटा मोटा करा के कैसा फील लगा था? अच्छा लगा था, रोत का लगा रहे फिर विदाई थोड़े है भाई। नया जोड़ा है तो आप दोनों को 30 साल का हैप्पी एनिवर्सरी। तो यहाँ पे है जयमाला होगा दोबारा से, उसके बाद केक कटेगा, उसके बाद 50 साल का होगा तो शादी होगा। दोबारा से आप रोइए रोइएगा नहीं क्योंकि विदाई होगा, ठीक है, झुकना नहीं है। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. उनसे ना हो पाएगा। फोड़े तो थे ना ना बहाना मत। सही है। ये क्या कर रही है? ऊपर फोड़ो, हमको क्या फोड़ो? ये देखो ये मेरा बीबी जो है ना परेशान कर रही है। कैसा लगा निशा जी? मजा आया, खुलासा हो गया ना तुम्हारा, तुम इतने टाइम से छुपा के रखा था, तुम शादी शुदा देख रहा है, शादी शुदा बना दिया है अभी, कच्चा कच्चा तो 16 साल का हुआ है। मैं तो भाई इतना बिजी हूँ ना, सच बोला रहा हूँ, अभी ना हमारे पास तो एकदम ही टाइम ही नहीं है, ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे तो लड़की तो रील्स बनवा बनवा के थका दिए, क्यों गाने को कितना बार नचवा गया हमको, अपने आप को मुलगेले आलम हमारा को अनारकली समझ लिया, इतना नचाता है वो। रील्स इन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे डाला है, जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत तबाही रील है, वो भी भोजपुरी सॉन्ग में। खिलाने पिलाने में एक अलग सा स्वाद, अलग सा मजा, अलग सा एक खुशी मिलता है। अभी काफी सारे लोगों को खिलाने के बाद यहाँ पे फाइनली अपना दोस्त लोग भी आ चुका है। की खबर है, खाना कैसा है? बढ़िया, खाना बढ़िया है ना, आराम से खाना कुछ लगेगा दादा। इस लोग को सबको खाना वाना खिला दिए, सब हो चुका है, अभी हमारा हो गया, हम लोग का फैमिली का खाना खाना। तो यहाँ पे सबको है, सुशील अपना सबको खिला रहे हैं, वहाँ पे है दाजू कस्तो छ राबरो छ ठीक है छा, और यहाँ पे सब कोई फैमिली मेंबर बैठा हुआ है। ये जो है ना, ये हमारा दूसरा दिन है, सब कुछ एनिवर्सरी खत्म हो चुका है, ठीक है ना। माँ कल में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा अच्छा
उम्मीद है जैसे अभी 30 साल का मनाया, 50 साल का तो एकदम ग्रैंड करने का, 50 इयर्स एनिवर्सरी, वैसे 30 इयर्स एनिवर्सरी माँ पापा का हो चुका है। मोर टू कम, और भी आएगा, और भी ऐसे खुशियां खुशियां छोटी छोटी खुशियां मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। अभी खबर एसनो, एसनो तो बेचारा कल पूरा बोर हो गया था अकेले अकेले, क्योंकि इसको बंद करके रखा गया था। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते करिए, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस दिस इज बॉबी ब्लॉग साइनिंग आउट, जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब।